एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ अपूर्वा और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट स्पेल्स के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल स्पेल के बारे में। आई नो आई एम ऑब्सेस्ड विद नॉट मैजिक एंड नॉट मैजिक वर्क्स मैजिकली फॉर मी एंड आई एम श्योर मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर किया है, उनके रिजल्ट्स बहुत मैजिकली आ रहे हैं एंड आई एम श्योर आपको भी ये बहुत मैजिकली रिजल्ट्स देगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि ये जो नॉट मैजिक हम लोग कर रहे हैं ये हम बहुत टाइम से, बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। एंड अगर आप लोग कभी गए हो, दरगाह में गए हैं या फिर आप यू नो कभी किसी मंदिर में गए, वहाँ पे नॉट्स बंधी होती हैं, हम लोग बोलते हैं कि मन्नत थ्रेड कि वहाँ पे बांध दो एंड आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी एंड विश पूरी होने के बाद मैं ये भगवान को, डीटी को ऑफरिंग करूंगा या फिर मैं इसको वापस से खोलने के लिए आऊंगा। बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स नॉट मैजिक। काफ़ी ऐसे लोग थे पुराने टाइम में जो पीरियड्स को लेट करने के लिए, पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए भी यू नो अपने दुपट्टे में, साड़ी में गांठ बांध देते थे। सो बेसिकली अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ नॉट मैजिक। सो नॉट मैजिक इज नॉट समथिंग जो कि यू नो नई चीज़ है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है बट डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल है, बहुत मैजिकली काम करता है, ठीक है। ये जो नॉट है ये आप किसी के लिए बना सकते हैं, किसी पेरेंट के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए या फिर किसी फ्रेंड के लिए, किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को हीलिंग देनी है, किसी की विश है उसके लिए करना है, किसी की हेल्प करनी है इन शॉर्ट, या फिर खुद के लिए करना है, कुछ गोल है आपका उसको अचीव करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना है या फिर कुछ भी रिलेशनशिप का यू नो कोई आपका विश है, एनी सिंगल थिंग यू कैन डू दिस नवरात्रि नॉट। एंड अगर आप नवरात्रि के दिनों में ये नॉट मैजिक करते हो इसके रिजल्ट्स 1000 times बढ़ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं नवरात्रि नॉट मैजिक की। इसमें हम लोग पूरी 9 एनर्जीज का हम लोग कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं, पूरी 9 एनर्जीज के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको मेरे तरीके से, बताए हुए तरीके से करते हो इट विल वर्क फॉर यू। पहली चीज, डाउट नहीं करना है अगर आप लोग अपना मैजिक कर रहे हैं। सी आई एम जस्ट यू नो गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। करना है, इंटेंशन डालनी है, चीज़ें करनी है, वो सिर्फ आपने करनी है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर फोकस के साथ चीज़ें करनी है, दिल अच्छे से यू नो नेगेटिविटी बिल्कुल दिल खाली कर देना है, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सरेंडर के साथ इस टेक्निक को करेंगे इट विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क मैजिकली फॉर यू, ठीक है। सो हम लोग बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बेसिकली इसमें हम लोग 9 नॉट लेने वाले हैं, 9 एनर्जीज को हम लोग यहाँ पे इन्फ्यूज करने वाले हैं, जिसमें ना 9 देवियाँ हैं, हम इनकी एनर्जी को यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने रेड थ्रेड लेना है। आई हैव दिस कलावा राइट हियर, बट आप लोग रेड थ्रेड ले तो बेटर है, मैं इसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको क्लेंजिंग करनी है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, दिया लेना है, पानी लेना है एंड धूप बत्ती लेनी है। पानी, धूप बत्ती एंड दिया, ये 3 चीज़ें आपको जरूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी। फर्स्ट आपने क्या करना है, जो आपका रेड थ्रेड है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए इसे ले रही हूँ, जो आपका रेड थ्रेड है इसको अपने पाम में ऐसे रख लेना है, पाम में रखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी लेके हल्का स्प्रिंकल कर देना है एंड मन में ये चीज़ बोलनी है कि मैं वाटर स्पिरिट को इन्वोक करके इसमें इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली इट्स अ क्लेंजिंग प्रोसेस, वाटर। सेकंड आपने क्या करना है, फायर लेनी है, यानी कि जो दिया है उसको जलाना है, उस पर क्लॉक वाइज यानी कि राइट साइड, ठीक है, उस पर क्लॉक वाइज आपने इसको 7 times घुमाना है। दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दैट, ठीक है। दिया कर दिया, उसके बाद क्या करना है, जो धूप बत्ती है जो उसमें स्मोक निकल के आ रहा है उसके स्मोक में से कुछ देर तक रखना है अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको अपने पाम में लेना है एंड आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपने अपने माइंड में उस इंटेंशन को लेना है, ठीक है। पाम में ले एंड जस्ट यू थिंक अबाउट योर इंटेंशन कि आप इसे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं एंड जस्ट से कि मैं, सपोज करें कि मैं अपूर्वा शर्मा ये इस पर्पस के लिए ये नॉट मैजिक कर रही हूँ, फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ नव दुर्गा, फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ नव दुर्गा, ठीक है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग चाहें तो जो 9 देवियाँ हैं उनके नाम भी आप एक एक करके बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इतना बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज, प्रॉपर फोकस के साथ आपने इस चीज़ को करना है। अब ये है जो चार्ट है, ये मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ बट सिर्फ दोबारा से कर देती हूँ। ये चार्ट है, आपने इस पैटर्न में इन 9 नॉट्स को बनाना है। नॉट नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 जहाँ पर लिखा है
वहाँ पे नॉट वन बनेगी, जहाँ पे नंबर टू लिखा है वहाँ पे नॉट टू बनेगी, जहाँ पे थ्री लिखा है यानी थ्री बीच में लिखा है, राइट? तो थ्री नॉट हमारी बीचों बीच बनेगी, जहाँ फोर लिखा है वहाँ फोर बनेगी, फाइव लिखा है फाइव बनेगी, ऐसे आपने नंबर वाइज चलना है, ठीक है? जहाँ पे फर्स्ट लिखा है पहले वहाँ नॉट बनेगी, जहाँ पे टू लिखा है वहाँ पे दूसरी नॉट बनेगी, जहाँ पे थ्री लिखा है वहाँ पे थर्ड नॉट बनेगी। आपने ऐसे ऐसे इसके अकॉर्डिंग काम करना है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपने चलना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपकी जो भी इंटेंशन है आपने उसको अपने माइंड में रखते रखते ये जो चैंटिंग मैं बताने वाली हूँ वो आपने करनी है। तो फर्स्ट नॉट आपकी सबसे पहले बनेगी इस वाले कॉर्नर में, दिस कॉर्नर, राइट? फर्स्ट यहाँ बनेगी। आपने इसको बनाते बनाते अपनी इंटेंशन को विजुलाइज करना है और जो चैंट है उसको बोलना है, ठीक है? चैंट क्या है देख लेते हैं। बाय नॉट ऑफ वन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस शैल पुत्री द डिवाइन नवदुर्गा मैजिक फॉर, नाम जिस पर्सन का है वो लेना है, सपोज करें मैं खुद के लिए कर रही हूँ, अपूर्वा शर्मा ऑफ, जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसको बोलना है, हैज बिगिन, ठीक है? एंड ऐसा करते करते आपने नॉट बांधनी है, बोलते बोलते अपने माइंड में विश को विजुलाइज करते करते इंटेंशन रखते रखते सांस अंदर लेनी है, इनहेल एक्सहेल, ऐसे आपने करना है, ठीक है? हमारी फर्स्ट नॉट बन गई। सेकेंड नॉट हमारी है अगले कॉर्नर में, आप लोग चार्ट चेक कर सकते हैं, दिस यहाँ पे हमारी, यहाँ हमारी अब सेकेंड, फर्स्ट नॉट हमारी ये है, सेकेंड नॉट हमारी यहाँ बनने वाली है, राइट? अब सेकेंड पे आपने क्या बोलना है बांधते बांधते ये देख लेते हैं। बाई नॉट ऑफ टू गॉडेस ब्रह्मचारिणी ब्लेसेस मी और आई कैन टेक माई नेम विद लव लॉयल्टी पीस हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी एंड विजडम। फर्स्ट वाले में आपने, फर्स्ट नॉट में आपने अपने इंटेंशन को यू नो मेंशन किया है, इसके बाद मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चैंट्स हैं उनको बोलते रहें, अपनी विश को विजुलाइज करते रहें एंड ऐसे करके आपने नॉट बांध देना है, सांस अंदर लेनी है लाइक दैट, ठीक है? अब थर्ड नॉट हमारी कहाँ है देख के बताएंगे। थर्ड नॉट हमारी है बीचो बीच, राइट? बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ ये है वन हमारी, ये है टू एंड यहाँ हमारी थ्री बनेगी। अब आपने थर्ड पे क्या बोलना है, बोलते बोलते नॉट को टाई करना है, देख लेते हैं। बाय नॉट ऑफ थ्री गॉडेस चंद्रघंटा डिस्ट्रॉय स्पिरिट्स एंटिटीज अटैच्ड टू मी, तो जो भी आपकी विश से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी उस चीज से रिलेटेड है वो सब हट जाएगी। ऐसा बोलते बोलते अपनी इंटेंशन को विजुलाइज करते करते नॉट थ्री इज डन, ठीक है? अब नॉट फोर कहाँ है, नॉट फोर है वन और थ्री के बीचों बीच में है, राइट? यहाँ पर है। अब यहाँ पे फोर बनाते बनाते आपने क्या बोलना है देख लेते हैं। बाय नॉट ऑफ फोर गॉडेस कुष्मांडा रिमूव्स डिजीजेस फियर्स एंड सॉरोज फ्रॉम विद इन मी, ये बोलने के, ये बोलते बोलते आपने अपने इंटेंशन को विजुलाइज करना है, ऐसे सांस अंदर लेके एंड देन यू हैव टू एक्सहेल, ओके? नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अब जो हमारा फिफ्थ नॉट है वो हमारा है थर्ड और सेकेंड के बीचों बीच। अब आपने क्या बोलना है फिफ्थ नॉट बनाते बनाते देख लेते हैं। बाय नॉट ऑफ फाइव गॉडेस कंद माता ग्रांट्स बूंस टू मी, बोलते बोलते लाइक दैट, ठीक है? हमारी फाइव नॉट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? अब हमें क्या करनी है, सिक्स नॉट देखनी है। सिक्स नॉट हमारी कहाँ पर है, सिक्स है हमारी वन और फोर के बीच में, दिस इज आर वन एंड दिस इज आर फोर। इसका चैंट हम लोग देख लेते हैं क्या बोलना है। बाय नॉट ऑफ सिक्स गॉडेस कात्यायनी मैनिफेस्ट ऑल माई विशेज, अब नेक्स्ट आपने बांधनी है नॉट सेवन। नॉट सेवन कहाँ है, नॉट सेवन हमारी है फोर और थ्री के बीच में, ठीक है? आप लोग इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सेवन को बांधते बांधते आपने बोलना है। बाय नॉट ऑफ सेवन गॉडेस कालरात्रि रिमूव्स अननोन फियर्स फ्रॉम विद इन मी एंड प्रोटेक्ट्स मी, ऐसा चैंट करते करते आपने अपनी इंटेंशन को विजुलाइज करते करते That's it, आपका ये नॉट बन चुका है। अब देख लेते हैं नॉट एट का बननी है। नॉट एट बननी है यहाँ पे, आप इसे एक बार फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, नॉट को बांधना है, एट नॉट है इसको, इसके लिए क्या बोलना है देख लेते हैं। बाय नॉट ऑफ एट गॉडेस महागौरी वर्ड्स इन सेंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ माई बैड कार्मास, बांधते बांधते यू हैव टू विजुलाइज योर इंटेंशन लाइक दैट, ठीक है? अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नाइन्थ नॉट है, लास्ट नॉट है, इसको बांधते बांधते आपने क्या बोलना है, और ये बनेगी फाइव और टू के बीच में, इसको बांधते बांधते आपने बोलना है
Buying not of 9, Goddess Siddhiratri blesses me with manifestation powers and shows path towards me. ठीक है, आपने इसको ऐसा बोलते बोलते बांध देना है like that. 9 knots complete हो चुके हैं आपके. अब आपने क्या करना है, 24 hours के लिए अपने altar पे इसको रखे रहने देना है. Next day आपने इसको पहन लेना है, जिस person का भी ये है उसको भेज देना है, पार्सल कोरियर जो भी आपको करना आप कर सकते हैं, या घर में कोई है उसको पहना सकते हैं. इफ़ दैट पर्सन इज नॉट कम्फर्टेबल देन वॉट यू कैन डू, उस पर्सन का पिक्चर लेना है, उसको रैप कर देना है इस थ्रेड से, ठीक है, एंड देन उसको एनवेलप में रख के कहीं पे छिपा देना है, मंदिर में रख देना, जहाँ भी आपको जो सिक्योर जगह हो वहाँ उसको रख दीजिए, ठीक है. जब आपकी विश पूरी हो जाएगी इसको डिस्कार्ड कर देना है, बहते पानी में इसको बहा देना है, किसी पेड़ के नीचे गाड़ देना है, पेड़ के नीचे रख देना है, बट गाड़ना बेटर रहेगा. बेसिकली हम लोग मदर अर्थ को वो चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स वॉट वी आर डूइंग हियर, ठीक है. इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं. आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि में. अगर आप लोग इसको नवरात्रि के टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो ट्राई करें इसको नेक्स्ट नवरात्रि पे करने का, बट ये बहुत मैजिकली काम करता है. आप ये थ्रेड अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए डेली बना सकते हैं. आज आपने किसी के लिए बनाया, कल आप किसी और के लिए बना सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड बना सकते हैं, बट ट्राई करें एक दिन में एक थ्रेड बनाएं, ठीक है. सपोज आपने आज अपने लिए बनाया, कल अपनी मदर के लिए बना लिया, कल अपने फादर के लिए बना लिया, तो आपके पास 9 डेज होते हैं, आप ऐसे मल्टीपल लोगों के लिए बना सकते हैं. अदरवाइज अगर आप लोग नहीं कर पाते, आप इसे नेक्स्ट नवरात्रि, जो भी नेक्स्ट नवरात्रि पढ़ते हैं, आप उसमें से कर सकते हैं और ये मैजिकली आपके लिए काम करेगा. ये था हमारा आज का टॉपिक एंड ये बहुत मैजिकली काम करता है. मैं इसे हर नवरात्रि बनाती हूँ एंड ये बहुत ही मैजिकल है, ठीक है. सो यप, आई होप आप लोगों ने आज कुछ नया यहाँ से सीखा होगा, अगेन इन नॉट मैजिक. आई नो आई एम अपलोडिंग क्वाइट फ्रीक्वेंट अबाउट दिस टॉपिक, बट आई नो दैट्स वाई जो उसकी नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पे. सो यप, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.